तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि नोटिस पीरियड के बाद कितने दिनों में सैलरी आपके अकाउंट में आती है। मतलब कि अगर आपने किसी कंपनी में रिजाइन डाल दिया है और आपका नोटिस पीरियड सर्व हो गया है, लास्ट वर्किंग डे है, तो कितने दिनों में आपको बेसिकली सैलरी मिल जाती है जो आपकी होल्ड हुई होती है। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि देखो, किसी कंपनी में नोटिस पीरियड 1 मंथ का होता है, किसी में 2 मंथ, किसी में मैक्स 3 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। अभी क्या करते हैं कि आपको कहीं जॉब मिल जाती है, आप स्विच करते हो, और स्विच करने के बाद आप जब रिजाइन डालते हो, तो रिजाइन डालने के बाद अगर फॉर सपोज आपका नोटिस पीरियड 2 महीने का है, तो कंपनी करती क्या है कि उस 2 मंथ के नोटिस पीरियड में 1 मंथ की तो सैलरी आपकी दे देती है, जो लास्ट मंथ की है वो आपकी सैलरी होल्ड कर देती है। होल्ड इन द सेंस कि वो बाद में पेड होता है जब भी पीएफ डिडक्शन की डेट होती है आपके अकाउंट में ऐड करने के लिए। तो बेसिकली कहने का सीधा सा जो मतलब है कि 1 महीने की सैलरी आपकी होल्ड होती है और वो रिलीज करी जाती है आपको 45 डेज के बाद। 45 डेज जैसे ही आपका लास्ट वर्किंग डे कंप्लीट हुआ, उसके बाद 45 डेज मैक्स टाइम होता है रिलीज करने का। कई कंपनीज क्या करते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, 15, 20 या 50 जहाँ पर एम्प्लॉय, वो क्या करते हैं कि आपके लास्ट मंथ लास्ट डे पे ही सारा कुछ कंप्लीट कर देते हैं, सारा कुछ क्लियर कर देते हैं, आपका रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, आपकी जितनी सैलरी होल्ड थी वो भी उसी दिन वो सेम डे पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बट एमएनसीज कंपनी में रूल होता है कि अप टू 45 डेज, यानी कि मैक्सिमम 45 डेज में आपको नोटिस पीरियड वाली सैलरी आती है, रिजाइनेशन टाइम वाली आपको 45 डेज में आपको सैलरी वो मिलती है। बाकी आपका एक्सपीरियंस लेटर जो होता है वो आपको कुछ दिन बाद ही मिल जाता है, 4 से 5 दिन या 2 दिन में आपको एक्सपीरियंस लेटर मिल जाता है। रिलीविंग लेटर भी आपको 1 या 2 दिन में मिल जाता है, या हो सकता है आपको सेम डे मिल जाता है जब आपका लास्ट वर्किंग डे होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।